बनाते हैं मजेदार आलू और पनीर। दो मीडियम साइज के प्याज को हमने बारीक काट लिया है, हाफ कैप्सिकम को हमने बारीक काटा है, एक छोटा टमाटर को हमने बारीक काटा है और 6-7 मिर्च को हमने बारीक काट लिया है। ये हमने आलू और पनीर को थोड़ी से बड़े आकार में काट लिया है। गरम कढ़ाई में हम तेल डालते हैं। पनीर फ्राई करते हैं। इसे अधिक फ्राई नहीं करना है, ये हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। अब आलू फ्राई करते हैं। आलू फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तेल में हम जीरे डालते हैं, हरी मिर्च डालते हैं, अदरक डालते हैं, कैप्सिकम डालते हैं, टमाटर डालते हैं, अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, इसमें चलिए आलू डालते हैं। मसाला जल रहा हो तो हल्का पानी छिड़कते हैं। एक चम्मच धनिया डालते हैं, जीरा पाउडर डालते हैं 1 चम्मच, इसमें आप पनीर डालते हैं, हल्के हाथों से इसे चलाते हैं ताकि पनीर टूटे ना। थोड़ा सा पानी डालते हैं,
चम्मच नमक डालते हैं। एक चम्मच के लगभग कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं। इसे ढककर पकाते हैं। एक चम्मच पनीर बटर मसाला ऐड करते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला छिड़कते हैं। बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करते हैं। ये हो चुका है भाइयों, इसे हम उतार लेते हैं।